सवार चल दुनिया नहीं ये बबल। चाची बेगम, अरे खुदा झूठ ना बुलवाए, तो अब से एक डेढ़ घंटा पहले हम आपको चाय देकर गए थे, तब भी आप बैठी हुई पैसे गिन रही थी और अभी भी बैठी हुई पैसे गिन रही है। खैरियत तो है। हाय क्या बताऊं मुस्तकीम, 10 लाख रखे थे, पूरे 580 रुपए काटे, 6 बारी गिन चुकी हूँ पर कलेजे को तसल्ली नहीं हो रही, किधर है मेरे 580 रुपए। अरे जोजी बेगम, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि हम निहायत ही ईमानदार और नेक आदमी हैं, सारी दुनिया हमारी कसमें खाती। जब 10 लाख 10 कदम की दूरी पे हो ना, ते बंदे का ईमान खराब होते देर नहीं लगती। ला हौल विला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जोजी बेगम क्या बात कर रही है, अगर हमने पैसे चुराने ही होते तो हम 10 लाख पूरे चुरा लेते। देखा, इसका मतलब है तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी। आप हम पे शक फरमा रही हैं, हालांकि हमारी गवाही तो पूरा जमाना देता है। तुम्हारे मीसड़ेपन की गवाही देता है सारा जमाना, मुझे नहीं पता। शराफत से मेरे पैसे निकाल के इधर रखो, इसमें मिलाओ। अच्छा, तो आपके पैसे शराफत ने चुराए हैं जो पड़ोसियों का चौकीदार है। मुस्तकीम, 80 रुपए तो मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन अगर 500 रुपए वापस ना किए ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। 500 रुपल्ली की खातिर आप पुलिस बुलाएंगी? आहो, पुलिस अगर आ गई तो उसने खर्चे के नाम पर आपके 4-5 हजार रुपए तो खर्च करवा देने हैं। इस तरह तो सारे पैसे मुक जाने ने मेरे। बस जोजी बेगम, अगर हमारी माने तो ये सारा पैसा आप बैंक में रख दें, देखिए ना घर में चोरी होने का भी खतरा होता है। और दूसरी बात ये कि खामखा पैसे गिन गिन के आपकी उंगलियां भी नहीं घिसेंगी। ये ठीक है मुस्तकीम, सवेर होते ही ये सारा पैसा मैं बैंक में जमा कराती हूँ, बस एक आखिरी बारी गिन लो जरा, तसल्ली हो जाए ना दिल को। गिन लेती हूँ मैं। हाँ भाई रिजवान उर्फी, टैक्स ऑफिस छोड़ दिया क्या? अच्छा रिटायरमेंट ले लिए, अरे वाह भाई, फिर तो बड़ा पैसा मिला होगा तुझे। है? है? क्या अच्छा इन्वेस्ट कर लिए डॉलर में? अरे वाह 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 भाई, हाँ हाँ मैं भी डॉलर ले लेता हूँ, अरे बड़ा पैसा है मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अरे इतना पैसा है मैं तो रख के भूल जाता हूँ यार, वहां रखा कि यहाँ रखा कि कहाँ रखा। रिजवान उर्फी, हाँ यार एक काला कब्बा आ गया, मैं तुझे अभी ठहर के फोन करता हूँ। अच्छा रेसिस्ट काला कब्बा, और खुदा का नाम माने इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ रहे थे, किसको छोड़ रहे थे? अरे आप तो रुपया नहीं छोड़ते, आप तो 10 रुपए का जो नोट था ना फटा हुआ उस पे भी ऐसे चपटते हैं जैसे 5,000 का नोट हो। अरे चलो ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो तो मैं पैसे की कदर करता हूँ। जी जी मुझे ही तो पता है, बल्कि मैं तो सोचा था नबील कि मैं ना कुछ डॉलर वॉलर खरीद के रख लूँ। अरे महमूद साहब, आपको तो कोई रुपया उधार नहीं देता, डॉलर कौन देगा? अरे मैं खुद अपने डॉलर खरीदने की बात कर रहा हूँ यार, मेरा एक दोस्त है रिजवान उर्फी, अरे उसने ना डॉलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है नबील, उसने मुझे कहा है कि डॉलर ले लो, कुछ ही अरसे में ना 450 पे चला जाएगा डॉलर। सच? महमूद साहब फिर मैं भी कुछ डॉलर खरीद के रख लेता हूँ। अरे तुम कहाँ से लोगे डॉलर्स? वहीं से जहाँ से आप खरीदेंगे डॉलर। भाई मैंने तो कुछ पैसे छुपा के रखे हुए तुम लोगों से, उसी से डॉलर ले लूंगा मैं, लेकिन ये तुम कहाँ से लोगे डॉलर? अरे महमूद साहब मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, करोड़पति आदमी का दामाद हूँ मैं, बहुत कुछ पाया हुआ है मैंने भी। ओ ठीक है, फिर हम दोनों डॉलर्स ले लेते हैं। हाँ महमूद साहब, जैसे ही डॉलर का रेट ऊपर जाएगा हमें लाखों का फायदा होगा, फिर हम थाईलैंड में हॉलीडे करेंगे। महमूद साहब जो हम थाईलैंड में करेंगे वो हॉलीडे होगा? हाँ जी जाजी। मैं देख रही हूँ तुम्हें। क्या क्या देख रही हूँ जानू, क्या देख रही हो? यही कि तुम मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हो। कौन सी बात जानू? मैंने तुमसे आधा घंटा पहले सब्जी मंगवाई थी ना। अच्छा 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 सब्जी, शुक्र है तुम सब्जी मांग रही हो। तो और क्या मांगूंगी तुमसे मैं? जानू मुझे लगा कि शायद तुम मेरी किडनी मांग रही हो बेचने के लिए। शट अप नबी। इट्स ओके जानू, इट्स ओके। ओके जानू मैं भी सब्जी लेके आता हूँ, टेंशन नॉट।
मोमो, मेरी प्यारी मोमो। आज तो बिल्कुल आपने वसीम की तरह बात की है। कौन है ये वसीम और वो क्यों इस तरह बात करता है तुमसे? हाय, वो जमील का अब्बा जी थे ना, पहले वाले मसूद। अच्छा ना, दफा करो उसे, तुम ना मेरी बात सुनो। मोमो, मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाय, आपके लिए मैंने अपनी वो भी दे देनी है। वो क्या? जान? चुप है। जान नहीं, वो जो यास्मीन ने रात को मीठे में बनाई थी ना। रात में क्या बनाया था? खीर। हाँ, मैं अपने हिस्से की खीर भी आपको दे दूंगी। सच बोलो? हाँ सच, क्योंकि आज सुबह ही सुबह ना बिल्ली ने उसपे मुंह मार दिया था। ए यार, मुझे कोई खीर वीर नहीं चाहिए। नहीं तो फिर आपको क्या चाहिए मरावत? मोमो, मुझे ना तुम्हारी इस सोने की चूड़ियाँ चाहिए। आपकी मोटी मोटी कलाइयों में मेरी नाजुक चूड़ियाँ कहाँ आएंगी शिफा? अरे मुझे पहनने थोड़ा है, मुझे तो बेचनी है। ओए उठ कटिया, सलीम है खबीस, बीवी का सेवर बेचेगा तू? चल इधर से। अरे मोमो, डबल वापस कर दूंगा यार। कटले कटले कटले, मैं बता रही हूँ, मेरा दिमाग खराब है। ओए निकले, अरे चला रहा हूँ यार। छेती छेती, छोड़ूंगी नहीं मैं। महबूब साहब, ये देखें मेरे 10 लाख रुपए। और नबील, ये देखो मेरी जमा पूंजी। और नबील, अरे हम डॉलर खरीदेंगे इससे, और जैसे ही डॉलर 400-450 का होगा, सोचो सोचो हमें कितना फायदा होगा। नबील, अब तो बैठे बिठाए अमीर हो जाएंगे यार। मुझसे तो ज्यादा इंतजार नहीं होगा, जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ा मैंने बेच के फौरन कारोबार कर लेना है। यार कितने बेसब्रे हो तुम नबील। नबील मियां और महमूद साहब, हमने हसबे आदत आपकी सारी गुफ्तगु सुन ली है। हम आपकी इस घटिया आदत से ना बखूबी वाकिफ हैं। चलो नबील, चलें यहाँ। आधा वर्ष करते हैं। एक मिनट महमूद भाई, मेरी भी तो एक गल सुन लो निक्की जी। हाँ हाँ, पता है जोजी बेगम, आप किराया मांगेंगे, लेकिन अब हमारा इस घर में रहने का दिल नहीं करता, अब हम अपना बंगला खरीदेंगे, क्यों नबील? हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, आप अपना घर जरूर लें। पर ये नहीं कह रही थी मैं, तो कह रही थी कि प्लीज जरा मेरे लिए भी डॉलर डूलर ले आए, कोई बस 4 लाख रुपए के। 4 लाख? अरे ये तो बहुत ही मामूली सी रकम है। हम दोनों ने तो 10-10 लाख के डॉलर खरीदने का सोचा है। हाँ, कम से कम। अरे महमूद साहब, कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा, हमें भी साथ ले चलिए ना। हाँ चले चले, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन टैक्सी का किराया आप देंगे? हाँ हाँ दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। मैं अभी पहे पुहे लेके आती हूँ। मुस्तकीम, कंपनी दो, कंपनी मैं भी आई। जी जी भाई, नबील मियां और महमूद साहब, जाने क्यों, हमें अभी से अमीर अमीर सा महसूस हो रहा है। आपको सिर्फ महसूस हो रहा है, और काफी देर तक आपको ऐसा महसूस हो रहा है, और आखिर में आपने बगैर पत्ती बगैर चीनी के जोजी बेगम के लिए सिर्फ चाय बनानी। नबील, तुम्हारा क्या अंदाजा है यार, डॉलर कितना को ऊपर चला जाएगा? ओ यार क्या हो गया महमूद साहब, अभी 2-3 हफ्ते तो हुए हैं यार, चला जाएगा ऊपर, सब्र तो करें। हाय, तुम लोगों ने डॉलर ले लिए तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। क्यों, तुमने भी डॉलर लेने थे? और नहीं तो क्या। पुत्र, 250 रुपये हैं इनके, 200 डॉलर ला दे मुझे। अरे क्या बातें कर रही हो तुम मोमो, अरे 250 की किलो खीर नहीं आती, लीटर पेट्रोल नहीं आता, और तुम डॉलर मंगवा रही हो 250 रुपए के। अरे माँ जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं, आपका बेटा है ना, आपका बेटा आपको डॉलर्स देगा। क्या 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 दोगे तुम माँ जी को? जानू क्या हो गया, हर वक्त तो में रहती हो। अब माँ बेटा आपस में सुकून से बात भी नहीं कर सकते? मैं सेट का पूछने आई हूँ नबील। जानू तुम बुलबुले के सेट पे तो हो ना। मैं सोने के सेट की बात कर रही हूँ नबील, जो पापा ने मेरी आखिरी बर्थडे पे मुझे दिया था, कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जानू मैंने भेज दिया। क्या तुमने मेरा सेट भेज दिया नबील? जानू वो ना सेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, एक तो हल्का था और उसका डिजाइन भी पुराना हो गया था, मैं तुम्हें नया बना के दूंगा, अच्छा भारी वाला। मुझे अभी और इसी वक्त अपने सेट के पैसे चाहिए नबील। जानू वो जो पैसे थे ना, वो मैंने कर दिए इन्वेस्ट, वो भी मैंने डॉलर्स में इन्वेस्ट किए हैं। तुम देखना जानू, जैसे डॉलर ऊपर जाएगा, तुम्हारा मियां तुम्हें 2 सेट बना के देगा, वैसे नहीं बड़े बड़े सेट। ला, पहला हक तो माँ का बनता है पुत्र। माँ जी वो मेरा जेवर था। देखा पुत्र, तेरी बीवी कैसे तेरा मेरा कर रही है। शट अप। माँ जी। शट अप। मैं मूसा। शट अप।
जी फरमाइए, आपको क्या चाहिए? जहर है भाई। हमारे पास जहर क्यों होगा? ओ भाई, हमारा नाम जहर खान है। ये कैसा नाम है खान साहब? जब हम पैदा हुई तो हमको सांप ने काट ली। फिर? तो फिर क्या, हमने भी सांप को काटा, सांप मर गया। तब से हमारे दादा ने हमारा नाम जहर खान रखा। अच्छा भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन हमको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ। हमको अभी अभी डॉलर के बारे में पता चला। क्या पता चला आपको? यही कि डॉलर बहुत जोर से गिर गई है। ओहो खान साहब, आपके डॉलर कहाँ गिर गए? सिर्फ हमारा नहीं, सबका डॉलर गिर गई है। सारा रेट नीचे आ गई है। हम तो बर्बाद हो गया यार। या अल्लाह, हमने भी दो हफ्ते पहले ही तो डॉलर खरीदे हैं। टोमेटो सामने से, हम अपना पैसा लेके वापस जाएगी। खान जी, आप खान। हाय निपिनो, तेनु लाख रुपए का मशकरा दिया। जिन्ने पैसे नहीं ना, उन्हें डॉलर ले ले। वेखी महीने च दुगने हो जाने नहीं। खान रुको, महबूब, ओए महबूब के बच्चा। ओए चौकीदार, तू कौन है, इत्थे की कर रहे? अच्छा जी बेगम, ये जहर खान है और इस वक्त ये फरमाते हुए बहुत ही जहर लगे हैं कि डॉलर्स के रेट गिर गए। हाय मैं मर गई। ये क्या कह रहे हो, अभी दो हफ्ते पहले ही तो खरीदे थे। हमको हमारा सारा पैसा चाहिए। और की बोल रहे हैं, और तेरा पैसा हम क्यों देंगे भाई? तुम नहीं देगा, वो महमूद देगा। उसने हमसे पैसा लिया 10 लाख रुपए, बोला डॉलर में इन्वेस्ट करेगी और प्रॉफिट के साथ वापस करेगी। आज सुबह हमने खबर देखा कि डॉलर गिर गई और वो खबर सुनते ही हम भी गिर गई। और मैंने तो नबील और महमूद के चक्कर में आके डॉलर ले लिए। वो उस बारे कह रहे थे डबल हो जाएंगे। और डबल को छोड़ो, डॉलर तो 250 रुपए नीचे गिर गई। इतने तो कभी हमारा दुश्मन भी नहीं गिरा। और ये सब नबील और उस मनहूस महमूद की वजह से हुए। केड़ी मनहूस कड़ी थी जब मैंने उन्हें घर में किराएदार रखा था। या अल्लाह, हमको नहीं पता, हमको अपना पैसा चाहिए, वो भी डबल करके, वरना हम ना महमूद को गोली मार देगी। बल्कि महमूद को तो किया, इस घर में जितने लोग हैं हम सबको गोली मारेगी। पर तेरे पास पिस्तौल तो है नहीं, गोली कैसे मारेगा तू? भाई तुम कैसे बात करते है बाजी? ओए बाजी ना बोली मुझे। भाई आप ही ने आपा कहिए, बल्कि बेबी कहे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ओ बाजी, खाला जान, आपा जान, हमारे पास पिस्तौल भी है, चाकू भी है, बंदूक भी है, चूरी भी है, और हमारे पास बम भी है। और अगर जरूरत पड़ा ना तो हम बम मार के इस घर को उड़ा देंगे। अरे खास साहब, गजब कर रहे हैं आप। भाई ये घर तो हमारा है, वो तो यहाँ किराएदार है। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ तशरीफ रखिए, हम उनको लेके अभी आते हैं। छेती 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 बाजी, कोई चाय कावा? मैं नहीं पीना चाह कावा। अरे मनहूस मारिया ने बर्बाद कर देता है जान दी बड़ी है। हैं? नाश्ते का मजा आ गया मोमो। देखा ना, फिर मूली वाले पराठे कितने अच्छे थे। ओ माँ जी, अल्लाह का वास्ता यार, इनको मूली वाले पराठे मत खिलाया करें, पूरा मोहल्ला कंप्लेन करता है यार। मैं मुझे हिलेंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं अपनी जगह से यार। मैं मूसा, अरे नवील जी, हाँ, अरे नवील जी, साहब, अरे क्या हाथ हो गया, क्या हो गया मुस्तकीम साहब? जोजी बाजी ने फिर डंडे मारे हैं आपकी टांगों पर क्या? जी आप दोनों हजरात ने फरमाया था कि डॉलर तेजी से ऊपर जाएगा। हाँ कहा था तो? अरे मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त है रिजवान उर्फी, उन्होंने मुझे ना अंदर की खबर दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द डॉलर जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। अब ये रातों रात तो ऊपर नहीं जाएगा ना भाई। लेकिन रातों रात नीचे तो गिर सकता है ना। जी डॉलर 200-250 रुपए नीचे आ गया। नबील मेरा जेवर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नबील। जी हाँ, वो दोनों भी यही कह रहे हैं। भाई वो कौन? जोजी बेगम और जहर खान। जहर खान? लो जी आपका नुकसान हो गया, तो आपने जहर मंगा लिया है फरकान। अरे मोमो जहर खान, अरे ये वो जहर खान है जिससे मैंने पैसे उधार दिए थे, और इसको मैंने कहा था कि जैसे ही डॉलर ऊपर जाएगा मैं डबल पैसे तुम्हारे मुनाफे के साथ वापस करूंगा। वाह, आपकी भी खैर ही हो जाए यार। अगर पैसे पकड़ने हो तो अपनों से पकड़े ना यार। आपने तो बदमाशों गुंडों से पकड़ लिया, अब खूबसूरत ज्यादा क्या कहेगी? 2-4 दिन ताने देगी, उसके बाद चुप हो जाएगी। हरगिज नहीं, मैं कल की फ्लाइट बुक करा के पापा के पास जा रही हूँ। पुत्र मेरी भी साथ में फ्लाइट बुक कराना, मैंने इन फ्रॉडी मर्दों के साथ नहीं रहना। फिलहाल तो जहर खान और जोजी बेगम दोनों बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी राह तक रहे हैं नीचे। यार जोजी बाजी का क्या मसला है मुस्तकीम साहब? उन्होंने अपनी खुशी से डॉलर्स में पैसे लगाए थे यार, हमने जबरदस्ती थोड़ा की थी। बाकी जहाँ तक रह गई जहर खान की बात, तो वो महमूद साहब जाने, जहर खान जाने। भाई जहर खान तो ये कह रहा है कि अगर उसके पैसे वापस ना मिले, बमे प्रॉफिट
तो वो इस घर में सबको गोलियां मार देगा। क्या नबील ये सच कह रहे हैं? अरे जहर खाना सचमुच पागल आदमी है, अरे वो सबको गोलियां मार देगा। खाए अपने बड़े मुंह की कसम। अरे तुम्हारी माँ की कसम यार। अरे वो कहीं ऊपर ना आ जाए। नबील भागो भागो भागो। माँ जी चले चल कर देखते हैं कौन है ये जहर खान। आए मुस्तकीम। मैंने भी नाश्ते के लिए ना मूलियों को मसाला लगाना है। आइए आइए आइए। और किधर है महमूद? किधर है? उसको हम गोली मारेगा, छोड़ेगा नहीं उसको आज। अब आपका सारा नुकसान ये भर देगी। इसके पापा करोड़पति हैं। तो मेरा भाई मैं किसी का नुकसान नहीं भरूंगी। मेरा तो अपना सारा जेवर नबील ने बेच दिया है। हमको हमारा सारा पैसा वापस चाहिए, वो भी प्रॉफिट के साथ। क्या है तुम्हारा घर का मर्द? उन लोगों ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। जहर भाई जहर भाई आप ना इनको मार के अपना कलेजा ठंडा कर ले, बदले की आग बुझा ले। ये उन्हीं की बोटियां हैं। ओए कोची मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। हां तो मैं तेनु छट देना जिस। बस करो भाई ये अभी हम उन दोनों को ना गोली मार के आएगी। हाँ ठीक है, ये ठीक है। यार मैं मुसाब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही यार। मैं क्यों डर रहा हूँ भाई? मैंने क्या किया? मुझे तो बाहर जाने दे। नहीं 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 नबील, देखो तुम मेरे बेटे हो, मेरे हिस्से की कम से कम एक गोली तो तुम्हें खानी चाहिए ना। अच्छा नाश्ते में बचा हुआ पराठा अपने हिस्से का देने को तैयार नहीं है? अपने हिस्से की गोली कह रहे हैं, तुम खा लो भाई। मैं आपके हिस्से की गोली क्यों खाऊं? और वैसे भी मैं आपका सौतेला बेटा हूँ। नहीं नहीं नबील, देखो मैंने तुम्हें ना हमेशा सोने से ज्यादा प्यार किया है। ओ बस कर दे मैं मूसा, झूठ मत बोल दे, सोने से भी ज्यादा प्यार। मुझे बाहर जाने दे यार। ओ महमूद के बच्चा बाहर निकलो, वरना इस घर को हम बम से उड़ा देंगे। ओ यार तू पूरे घर को क्यों उड़ाएगा भाई? तेरी दुश्मनी इनसे है, इनको बाहर ले जा और उड़ा दे। और वैसे भी मेरा बाप गैरतमंद है, सीने पे गोली खाएगा। सीने पे? हम सीने पे नहीं, इसके सर पे गोली मारेगा। बाहर निकलो, हमको हमारा पैसा वापस दो। ओ खान सर पे ना मारी यार, सर पे बहुत कम बाल है, बड़ी चोट लगेगी इनको यार। यार खान माफ कर दो यार, अब मुझे क्या पता था कि डॉलर इतना गिर जाएगा। तुम दरवाजा खोलते हैं या हम गोली चलाएं? नहीं नहीं खोल रहा है, खोल रहा है, गोली दरवाजे से आ जाए यार। देखो जहर खान, वैसे तो तुम मुझे जहर लग रहे हो इस वक्त, लेकिन मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे पैसे चुका पाएंगे। उसकी वजह क्या है कि इनकी बूढ़ी हड्डियों में अब दम नहीं है, तो बेहतर यही है कि इनको गोली मारो और तुन्नी पे गोली मारो, तुन्नी पे। कल देखो इनकी मौत का जो सीन है ना, वो ऐसे अच्छा नहीं लगता यहाँ पिक्चराइज करें। मेरा ख्याल नीचे ले जाते हैं, सबके सामने करते हैं। तुमने धुआं वाला सीन देखा हुआ ना मेरा? हाँ भाई जान, उस ड्रामे के बाद हम तुम्हारा बहुत बड़ा फैन बन गया है। डन हो गया, तो इनकी मौत का सीन नीचे चल के पिक्चराइज करते हैं। चलो ठीक है, चलो नीचे चलो। अरे चलो ना नीचे, लेके चलो इनको, लेके चलो। मुझे मंजूर है। ओए तेरे प्यो का घर है, मंजूर है मुझे। ये घर जोजी का है, जोजी का। तो ठीक है फिर कलमा पढ़ो। ओए जहर खान इनको छोड़ दे, अगर ये मर जाएंगे तो मुझे तीसरी शादी करनी पड़ जाएगी ना फिर। खबरदार, जो मेरे मरने के बाद तीसरी शादी की तुमने मोमो। चुप है, आपकी घटिया हरकत की वजह से ना मुझे तीसरी शादी करनी पड़ रही है, तो इस भरी जवानी में मैं बेवा हो जाऊं तो तीसरी शादी भी ना करूं। ओए मार गोली इसको। नबील तुम ही कुछ बोलो यार। यार मैं मूसा मैं क्या बोलूं? अच्छा चले ठीक है भाई, इनको गोलियां कम से कम 6-7 मारना और एक आधी गोली इनकी तुन्नी पे मारी यार, ये इतनी आसानी से मरेंगे नहीं। तुन्नी पे ना मारा यार, मुझे ना गुदगुदी होती है भाई। चौजी पे हमसे ये दिल खराश मंजर देखा ना चाहेगा, आप वीडियो बना लीजिएगा, हम इत्मीनान से बैठ के देख लेंगे। परा मारो। ओए ये मार मार, मार कुटाई हमारे घर में नहीं होनी, ये खून खराबा मैं नहीं देख सकती। जो भी करना है घर से बाहर जाके करो। देखिए जहर खान आप एक चांस तो दें। ओए हम तुमको चांस तो दे दे, लेकिन तुम शादीशुदा हो। मैं महमूद साहब की बात कर रही हूँ, आप प्लीज इनको एक मौका दे दें और ये आपको पैसे वापस कर देंगे। ओ जानू कैसी बातें कर रही हो यार, कहाँ से देंगे ये पैसे, मरने दो। शट अप नबी। ओके जानू ठीक है, हम तुम्हारे कहने पे इस बड़े मुंह वाले को चांस दे देता है,
अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन 2 घंटे बाद वापस आएगा। तब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो हम सबको गोली मार के जाएगी हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। मैं मुंह साहब चले चले हॉस्पिटल चले यार। हॉस्पिटल क्यों भाई? भाई किडनी बेचने, नुकसान कैसे पूरा होगा? उसके पैसे नहीं देने आ रहा 2 घंटे बाद वो। नबील मियां ऐसा कीजिएगा, एक अपनी भी किडनी बेच दीजिएगा, क्योंकि आपने हमारा नुकसान भी तो पूरा करना है। बस करें, अपने मशवरे अपने पास रखें, जाएं सस्ती शायरी करें यार। हम लोग खुद सोचते हैं हमने क्या करना है। जानू माँ जी मैं मुसाब ऊपर आए यार, ऊपर जाकर डिस्कस करते हैं। आओ बताओ क्या, जल्दी जल्दी सामान पैक करो और आज रात किसी होटल में रुकते हैं। ठीक है, सुबह पहली फ्लाइट लेकर हमने लाहौर जाना है। लाहौर क्यों? ले तुझे पता ही कुछ नहीं, लाहौर में हमारे पापे का घर है नसरीन। माँ जी वो मेरे पापा हैं। अरे खूबसूरत, तुम्हारे पापा हम सबके पापा हैं यार। क्या हो जाएगा अगर हम 1-2 साल उनके पास पनाह ले लेंगे तो? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1-2 साल कौन किसी के घर पनाह लेता है महमूद साहब, पापा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर तुमने क्यों रोका जहर खान को? अच्छा खासा गोली मार रहा था महमूद साहब को यार। हाँ भाई मैं क्यों किसी पराए आदमी की खातिर गोली खाऊं भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे मेरा पुत्र। चल पुत्र हम गांव चलते हैं, तू वहाँ खेतों में जाके ना वो चिल्ला लेना। मुमताज मैं तुम्हारा शौहर हूँ भाई। ना तो क्या सब होते हैं आपके पास इस बात का रावत? महमूद बस कर दे आप लोग, ठीक है चलते हैं पापा के पास। चलो मैं पहले से बता दूं और क्लियर कर दूं ये बात, मास्टर बेडरूम मैंने लेना है। शट अप नबील, मैं बता रही हूँ हम 1-2 हफ्तों से ज्यादा नहीं रुकेंगे पापा के घर। हाँ। चले पैकिंग शुरू करें। हम अपना बैग रेडी कर रहे हैं। अरे गोंचू वो मुझे कह रही है साथ चलने को। ओए तुम लोग किधर जा रही है? जिधर जाना जाओ, हमको हमारा पैसा दे दो फिर जाओ। ओए ये लोग तो कार छोड़ के नस रहे हैं भाई। चलो तुम सब लोग कलमा पढ़ लो। कौन सा पढ़ना है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा? खबरदार पढ़ लो। ओए कर इधर आओ, खबरदार भाई अपनी जगह से ना तो गोली मार दूंगा। शुक्र है बेग साहब आप आए, बट साहब नहीं आए, आपने हमें बचा लिया है। और इस बार तुम लोगों को बचाने नहीं बल्कि मैं पकड़वाने आया हूँ इन बड़े अफसर के साथ। लेकिन बेग साहब हमने किया क्या? भाई लाखों रुपए के डॉलर खरीद के रखे हैं तुम लोगों ने तो, और ना कोई बच्चे कच्चे बाहर पढ़ते हैं, ना तुमने कोई ट्रेवल करना है और ना ही कोई कारोबार। चलो सारे डॉलर निकालो, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। बेग साहब कुछ ले दे के मामले को सेटल न कर ले। ओए शराब से दे दो वरना गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये हुकूमत के खास अफसर हैं, बड़े बड़े बंदों के डॉलर जब्त किए इन्होंने। तुम लोग तो चीज ही क्या हो, अब बताओ डॉलर दोगे या गिरफ्तारी दोगे? मेरा ख्याल है महमूद साहब जो जी बाजी डॉलर दे ही देते हैं। दे दे डॉलर का क्या है, हाथ की मैल होती है वैसे भी। हाँ मैं मुंह साफ कर रही है, मैल निकाली है ना, लाइए जो जी बाजी लाइए चावल। ये ले मैं मुंह साफ, ये दे यार, ये ले भाई, ये लीजिए सर। और हाँ अब तुम लोग जहाँ जा रहे थे जा सकते हो। अब कैसे जाएंगे बेग साहब? तुमने हमारा डॉलर भी पुलिस वाले को दे दिया। अबे तेरी तस्वीर थी डॉलर में क्या? अभी हम तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, अरे तुम्हारी पिस्तौल तो पुलिस ले गई है, अब कैसे मारोगे? महमूद साहब ये मुंह से फायरिंग करेगा वो था। हमारा पिस्तौल पुलिस वाला लेके गया, हमारा हाथ तो सलामत है ना। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं।